हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मीटर, लीटर और ग्राम के कन्वर्जन के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे उस ट्रिक के बदौलत और कैसे उस ट्रिक से हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया पहले आप इस वीडियो को रोक दीजिए और जाकर सबसे पहले इसका पहला भाग देखिए। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो मैं उस वीडियो को आगे, इस क्लास को आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है? आप वहाँ से उस ट्रिक को याद कर लेंगे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है 5.327 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू डैश, मान लीजिए कह दिया मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर होगा। कोई कह दिया आपसे 3.005, मान लीजिए डेसीमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ भी डेकामीटर हेक्टोमीटर में ऐसे कन्वर्ट करना एकदम इजी नहीं होता है। बहुत से बच्चों को इसमें कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग ऐसे ऐसे ही कन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राम के बारे में बात हो, कोई कह दिया 5 और यहाँ पे कह दिया डेकाग्राम, 5 डेकाग्राम कितना पूछ दिया, ग्राम कितना, कितना ग्राम होगा, 5 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम। तो ऐसे ऐसे कन्वर्जन के बारे में ही आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को बहुत ही आसान रास्ता बताने वाला हूँ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ध्यान देंगे हम लोग को क्या है। कल जैसे कि ट्रिक मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? तो कल मैंने ट्रिक बताया था एक कि कौन है दाऊद, सीएम से पूछो। उसमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले 7 सीढ़ी हम लोग को बनाने हैं। क्या 7 सीढ़ी? ओके, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको याद नहीं है कि सीढ़ी क्यों 7 ही बनाएंगे, तो कल के ट्रिक पर ध्यान देंगे। तो वहाँ पे था कौन है दाऊद, सीएम से पूछो। तो ऐसे हमने लिख दिया सबको। आपको पता है, जैसे कि देखे होंगे केस से मैंने बताया कि ये किलो के लिए यूज हो रहा है, ओके। एच जो है वो हेक्टो के लिए यूज हो रहा है, हेक्टो। और ये डीए जो है वो डेका के लिए यूज हो रहा है। यू यू यूनिट मींस मात्रक, यानी कि जब हम मीटर के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये जो है मात्रक वो मीटर का रूप ले लेगा। जब हम ग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये जो सीढ़ी है वो ग्राम का रूप ले लेगा, और जब हम लीटर के बारे में बात करेंगे तो ये जो सीढ़ी है वो लीटर का रूप ले लेगा, ओके। अब चलिए, डी से जो है वो हमारा क्या हो गया, डेसी। अच्छा, सी से जो है वो हमारा सेंटी, और ये एम जो है वो मिली, ठीक है? किलो, हेक्टो, डेका और ये यूनिट, यानी कि मात्रक, डेसी, सेंटी और मिली। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले कि हम लोग कन्वर्ट करें, इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नंबर 1, जब भी मैं किसी भी सीढ़ी पे रहूंगा, यानी कि जो कन्वर्ट करना होगा, तो जिस सीढ़ी पे हम लोग रहेंगे उस सीढ़ी को, उस सीढ़ी के लिए हम हमेशा 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1, ओके। अच्छा, दूसरी बात, जब कभी भी हम जितना सीढ़ी अप जाएंगे या जितना सीढ़ी डाउन जाएंगे उतने शून्य बिठाएंगे। कहाँ पे बिठाएंगे? तो 1 के बाद। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 2 शून्य, 2 सीढ़ी नीचे आए तो 2, या 3 सीढ़ी नीचे आए तो 3 शून्य, ओके। आगे क्या इसका यूज है वो मैं बता रहा हूँ, अभी आप ध्यान दीजिए, बस अभी जो बताया जा रहा है आप उस पर फोकस रखिए, ओके। चलिए, और आगे की बात, एक बात हो गया ये सीढ़ी के लिए। दूसरी बात, जब कभी भी हम इस सीढ़ी पे अप चढ़ेंगे, ओके, जब कभी भी हम इस सीढ़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, मान लीजिए नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे क्या करना है, हमें भाग करना है।
भाग करना है। अभी आपको लगे कहाँ भाग करना है वो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जानिए कि जब भी हम सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। और जब कभी भी हम सीढ़ी पे ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दो बातें यहाँ पे हो गई, जब सीढ़ी पे होंगे तो एक लेंगे, जितने सीढ़ी ऊपर या नीचे जाएंगे जीरो लेंगे, उतने ऊपर चढ़ेंगे तो भाग और नीचे उतरेंगे तो गुणा। अब चेक करते हैं हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, चेक करते हैं कुछ ऐसे बातों को, चेक करते हैं जो हम सब जानते हैं, क्योंकि वो अगर संतुष्ट हो गया, वो अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब कोई भी कन्वर्जन इस पर आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि एक बहुत ही आसान सा है, सबको ही जानता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 मीटर। हम इसको पहले इस पे चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या ये इस सीढ़ी पे काम करता है कि नहीं। अगर ये इस सीढ़ी पे काम करता है इसका मतलब आगे भी करेगा। तो चलो मान लो कि अब एक लड़के को क्वेश्चन दिया गया है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, उसे नहीं आता है, क्या हुआ, उसे नहीं आता है, हमें स्ट्रिक के सहायता से बताना है जो मैंने अभी आपसे कहा। चलो ट्राई मारते हैं। सबसे पहले देखो, तो मैंने कहा अभी देखना मीटर के बारे में बात होने लगा, ये मीटर सब कुछ, यानी यहाँ पे KM लग गया, किलोमीटर हो गया, HM लग गया, हेक्टोमीटर हो गया, DAM लग गया, डेकामीटर हो गया, ये मीटर का रूप ले लेगा। ओके, ये मीटर बन जाएगा, यहाँ पे M लग जाएगा तो डेसीमीटर हो गया, यहाँ पे M लग गया सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे M लग गया मिलीमीटर हो गया। ओके, तो अब देखेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर क्या है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर। चलिए इस सीढ़ी के लिए मैंने क्या किया, तो इसके लिए मैंने वन ले लिया, इस सीढ़ी के लिए मैंने क्या किया, यहां पे 1 ले लिया, किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए। ओके, अब देखो कहां पहुंचना है, मीटर पे, मीटर कौन है, तो ये है हमारा मीटर। ओके, मीटर कौन है हमारा, ये है, तो ध्यान देंगे यहां के लिए मैंने 1 ले लिया, अब हमें यहां पहुंचना है, तो चलते हैं, कितना सीढ़ी हम ऊपर चलते हैं, 1 2, यहां पे तो हम थे ही, इसके लिए मैंने 1 ले लिया है, अब कितना ऊपर चढ़ते हैं, 1 2, दो सीढ़ी हम लोगों ने ऊपर चढ़ा, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 0 ले लिए, 2 0 को हमने ले लिया, यह कितना बन गया, 100। अब क्या करना है, तो देखो हमने पहले ही देखा था कि ऊपर चढ़ेंगे तो भाग करेंगे और नीचे उतरेंगे तो गुणा। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, तो यहां से चढ़ के ऊपर यहां पहुंच रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, भाग। अब किस में भाग करेंगे, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस 100 में जो अभी आया है संख्या कितना है, 100, उससे हम भाग करेंगे, तो ये कट के कितना हो गया, 1, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, तो 1 मीटर। ये इस पे काम कर गया। चलो एक और चेक कर लेते हैं, कौन सा लेते हैं, चलो मान लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हम लोग सबको ही जानते हैं, उस पे चेक करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, क्वेश्चन हो गया, हमें नहीं आता है कितना होता है, हाँ जानते हैं आपको याद है 1000 मीटर होता है, लेकिन अभी मान के चलिए नहीं आता है, हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा स्ट्रिक इस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, कितना मीटर होगा, हम इसके बारे में चेक करते हैं। आइए फिर गेम चालू करते हैं, इसको पहले हम मिटा लें, देखेंगे किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर हमारा, किलोमीटर यहाँ है। ओके, कहाँ है, यहाँ है, किलोमीटर हमारा यहाँ है, कहाँ जाना है, मीटर पे, कहाँ है मीटर, यहाँ है, तो चलो इसके लिए हमें क्या देना है, तो 1, किलोमीटर जहाँ पे है 1 दे दिया। ओके, कोई बात नहीं, 1 हम लोगों ने दे दिया। अब इससे नीचे आना है, क्यों, यहाँ तक पहुँचना है, देखो तो कितने सीढ़ी आ रहे हैं, 1 2 3, कितना, 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, देखो 1 2 3, तो 3 सीढ़ी हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो 3 0 1 2 3। ओके, क्या हो गया, 3 0 हमने बिठा दिए। अब क्वेश्चन क्या है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, गुना करेंगे, कहाँ गुना करेंगे, तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, 1 किलोमीटर, तो 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये कितना बन जाएगा, 1000 मीटर, यानी कि यहाँ पे 1000 लगा देंगे 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो गया। ओके, अब कोई और, आप कोई भी संख्या लीजिए। अब थोड़ा सा उठाते हैं हम लोग एक आधो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा डेसिमल का देख लेते हैं कैसे होता है। आइए उसके बाद आप अपने से कोई भी लीजिएगा, थोड़ा हम लोग ग्राम का भी देख लें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीटर के लिए ही है और इसी पे काम करेगा, नहीं, आप कोई ग्राम वाला आप ले लीजिए। मान लीजिए हमें चेक करना हो कि 0.52 डेकाग्राम इज इक्वल टू डैश, अब पूछ दिया मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम, अब ये बताओ,
0.52 डेकाग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम। अब इसके बारे में हमें चेक करने हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेकाग्राम, डेकाग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, ओके। पहुँचना कहाँ है, मिलीग्राम पे, वो यहाँ पे है। तो यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ के लिए हम लोगों ने वन दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद चलते हैं 1, 2, 3, 4, कितना, 4 सीरी हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 4 0 1 2 3 4। अब क्या है क्वेश्चन, तो 0.52 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे किस में, तो 0.52 में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0.52 में मल्टीप्लाई किए 1/40 से, और ये कितना बन गया, 5200, ओके। कितना बन गया, 5200, ये हो गया 5200, ओके। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसानी से गुना हो जाएगा। तो इतना बन गया, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 5200। अब देखिए इसी तरह से आप कुछ भी लीजिए, लीटर में लीजिएगा, लीटर का वर्क करेगा, ठीक है। और आप लीजिए कुछ भी, अगर आपको कहीं पे आप कोई ट्राई मारते हैं और आपका ये फेल हो जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, ये कभी फेल नहीं होगा, किसी पे फेल नहीं होगा, ठीक है। आप इसको कोशिश करिएगा, लीटर वाला उठाइएगा, मीटर वाला उठाइएगा, ग्राम वाला, ठीक है। कोई डेसिमल का हो, कैसा भी नंबर हो, आप इस सीरीज के खेल से याद रखिएगा, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक के लिए पीछे मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि पहले वीडियो में ट्रिक इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ मैंने कन्वर्जन कैरेक्टर से मैंने क्लास लिया है, और कन्वर्जन के बारे में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसे आप पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आए फिर से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। और सबसे अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको आप उन दोस्तों तक, उन फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसमें बार बार प्रॉब्लम होता है, ये समझ में नहीं आता है कैसे हम आसानी से जाएंगे, कैसे ये होगा। देखिए क्या है कि आपको लग रहा होगा कि क्या हम इस सीरीज को हमेशा ऐसे बना के कैसे करें, नहीं, आप इसको यूनिट जो है सेंटर में, यूनिट के ऊपर क्या है, डेका, देखिए डेका के ऊपर क्या है, हेक्टो के ऊपर क्या है, किलो। अच्छा यूनिट के नीचे बढ़िए, यूनिट के नीचे क्या है, डेसी के नीचे सेंटी के नीचे मिली। तो इस तरह से हम चाहें तो मन में वन और जीरोज का सारा संख्या हम मन में कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बार बार आपको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, वो सब मन में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कोशिश करिएगा, ओके। तो मैं इस क्लास को इसी पे रोकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।